गाइस वेलकम टू माय चैनल बी प्योर बी पॉजिटिव। गाइस आज हम एक हर्बल ऑयल देखने वाले हैं जो हमारी हेयर की सारी प्रॉब्लम को दूर करेगी, तो चलिए देखते हैं। आपने तो मेरे हाथ में देख ही लिया है, क्या है मेरे हाथ में? मेरे हाथ में हाइबिस्कस फ्लावर, जिसे हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं और कई जगहों में इसे जवा का फूल भी कहते हैं। गाइस ये फूल आए जगह पे मिल जाती है बहुत आसानी से, हमारे गार्डन में, मार्केट में, पूजा के लिए हर जगह मिल जाती है बहुत ही इजीली। गुड़हल के फूल हाइबिस्कस फ्लावर की ऑयल से हमारी हेयर में पोषण मिलती है, हमारी हेयर ग्रोथ होती है, हमारे हेयर की प्रॉब्लम्स दूर होती है, हमारे हेयर घने होते हैं, लंबे होते हैं। अगर आपकी हेयर ग्रोथ रुक चुकी है तो इस ऑयल से आपकी हेयर ग्रोथ बहुत फास्टली स्टार्ट हो जाएगी। गाइस अगर आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है, शिकायत है, तो आप इस हेयर ऑयल को इस रेगुलर यूज़ करोगे तो आप उस प्रॉब्लम से भी निजात पाओगे। बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी गाइस, इतनी हेल्पफुल होती है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इस हेयर ऑयल से आपकी हेयर, आपके बालों के जो जड़ होते हैं वो मजबूत होगी, ताकि हमारी हेयर फॉल रुके। गाइस यहाँ पे मैंने मेहंदी के पत्ते लिए हैं, ये मेरे गार्डन में थे तो मैंने ले लिए हैं। ये हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है, आपको तो पता ही होगा गाइस, है ना, हमारे हेयर के लिए कितनी बेनिफिशियल होती है। गाइस यहाँ पे मैंने ऑप्शन रखे हैं, अगर आपको ताज़े फूल नहीं मिलते हैं तो आपको जब भी ये फूल मिले आप ले लें, और इस तरीके से सुखाकर भी आप ऑयल बना सकते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है दो ऑप्शन, या तो आप ताज़े फूल ले लें या तो फिर आप ड्राई वाले फूल ले लें। ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगी ड्राई फ्लावर आपको, या फिर आप खुद से लाकर घर पे सुखाकर रख लें, जब आपका मन करे आप बना लें। ऑयल में आप हाइबिस्कस फ्लावर के पत्ते भी डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। मैंने एक कटोरी मेहंदी के पत्ते ले लिए हैं। गाइस आपको मैंने बताया था मेहंदी हमारे हेयर के लिए कितना अच्छा होता है, कलर देने में, मजबूत करने में, शाइन देने में, हेयर ग्रोथ करने में, बहुत तरीके से, है ना, हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गाइस यहाँ पे मैंने एक कटोरी हमने करी पत्ता ले लिया है। यहाँ पे करी पत्ता आपके पास है तो आप लें, इजीली बहुत जल्दी मिल जाती है, तो करी पत्ता बिल्कुल लें आप एक कटोरी। करी पत्ता हमारे हेयर को ब्लैक करने में, हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग करने में और हेयर ग्रोथ करने में इतनी ज़्यादा कारगर होती है। करी पत्ता के यूज़ से हमारी हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट होने लगती है, तो मैंने यहाँ पर गुड़हल का फूल, मेहंदी और करी पत्ता लिया है। अगर आप मेहंदी के पत्ते को पेस्ट बनाकर भी आप अपने हेयर में लगा लेते हो ना गाइस, उससे भी हमारे हेयर बहुत अच्छे होते हैं, हमारे हेयर फॉल रुकती है, डैंड्रफ खत्म होती है, हमारे हेयर को थिक और सिल्की होने में मदद करती है। करी पत्ता भी हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस, हमारे हेयर को काला करने में, ग्रोथ करने में, हेयर फॉल रोकने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पे मैंने तीन छोटे छोटे प्याज ले लिए हैं गाइस, जो दो प्याज आपको छोटी दिख रही है ना, अगर आपको उस साइज़ की आपको प्याज मिलती है ना, तो आप हेयर के लिए कभी भी अगर अनियन यूज़ करते हो तो आप इसी साइज़ का यूज़ करें, अगर ना मिले तो उसी थोड़ी बड़ी वाली यूज़ करें। आप जब भी यूज़ करें अनियन की तो आप रेड अनियन यूज़ करें, वाइट अनियन बिल्कुल भी यूज़ ना करें, वो हमारे हेयर के लिए अच्छी नहीं होती है। रेड अनियन हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, अनियन हमारे हेयर ग्रोथ में, हेयर फॉल रोकने में बहुत हेल्पफुल होता है गाइस। यहाँ पे मैंने फेनिग्रिल सीड्स ले लिया है गाइस, मेथी के दाने एक चम्मच। मेथी के दाने हमारे रुखे हुए बाल को सही करती है, सिल्कीनेस देती है, शाइन देती है, हमारे हेयर को थिक बनाती है। अगर हमारी हेयर थिक होती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है, रुखे हेयर बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं, तो मेथी के दाने हमारे हेयर के लिए बहुत तरीके से काम करता है गाइस, तो आप एक चम्मच मेथी का दाना भी ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक चम्मच कलौंजी लिया है, कलौंजी हमारे हेयर के लिए, स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेयर को काला करने में तो कलौंजी का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप अगर रेगुलर बेस पे कलौंजी का ऑयल यूज़ करते हैं या मास्क यूज़ करते हैं तो आपको अगर हेयर ग्रे का प्रॉब्लम है तो उससे आप निजात पा जाओगे जल्द से जल्द। कलौंजी हेयर ग्रोथ में भी बहुत वर्क करता है गाइस, बहुत फास्ट हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है इसके रेगुलर यूज़ से। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मतलब हमारे हेयर से जुड़ी हुई इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं ना गाइस, अगर आप इस तरीके की चीज़ें लेकर आप ऑयल बनाते हो ना, आप मानोगे नहीं आपके हेयर के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मात्रा में काली मिर्च और लौंग लिया है गाइस, लौंग 4-5 और छोटी चम्मच से आधी चम्मच मैंने काली मिर्च ले लिया है। काली मिर्च और लौंग डालने से हमारी ऑयल और भी ज़्यादा बढ़िया बन जाएगी गाइस, क्योंकि काली मिर्च और लौंग हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे हेयर फॉल को रोकने में, हमारे डैंड्रफ को हटाने में,
हेयर ग्रोथ करने में ये दोनों बहुत हेल्प करती है। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें ली हैं, हाइबिस्कस फ्लावर ड्राई और फ्रेश दोनों ही लिए हैं मैंने, कलौंजी एक चम्मच, फेनिग्रीक सीड्स एक चम्मच, एक छोटी कटोरी मेहंदी के पत्ते, एक छोटी कटोरी करी लीव्स और काली मिर्च और 4-5 लौंग और अनियन। इसमें से अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकती हैं। इसे निकाल कर हम ऑयल के लिए यूज़ करेंगे। देखिए गाइस कितनी आसानी से निकल जा रही है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। इस तरीके से हम सबका निकाल लेंगे। मैंने ड्राई फ्लावर्स का भी इसी तरीके से सारा निकाल लिया था और फ्रेश फ्लावर का भी मैं निकाल ले रही हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं लगती है, फटाफट हो जाती है गाइस, तो आप इसे निकाल लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल इस ऑयल को बना करके अपने हेयर रूटीन में शामिल कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये हेयर ऑयल ना आपके हेयर को इतनी अच्छी बना देगी, इतनी आपको फ़ायदा देगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। चलिए तो देखते हैं ऑयल कैसे बनाएंगे गाइस। यहाँ पे नीचे मैंने एक तवा रखा है, हम डायरेक्ट हीट नहीं लगाएंगे ऑयल को, आराम से बनाएंगे हम तेल को, बिल्कुल हीट नहीं देंगे डायरेक्ट इसको। तो इस तरीके से हम तवा के ऊपर एक भारी सा बर्तन रखेंगे, इसमें एक कप मैं सरसों का ऑयल ले रही हूँ और एक कप मैं नारियल का ऑयल ले रही हूँ। आप दोनों में से किसी एक ऑयल का भी यूज़ आप कर सकते हो, या तो फिर सरसों का या फिर आप नारियल का, आप अपने हिसाब से आप अपनी ऑयल देखें। यहाँ पे कोकोनट की ऑयल जो थोड़ी सी जमी हुई थी तो वो मेल्ट हो रही है, देखिए इसका मतलब है कि हमारे सरसों का ऑयल जो है गर्म हो रहा है। जब नारियल का तेल जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम यहाँ पे प्याज डालेंगे गाइस। सबसे पहले मैंने एक छोटी कटोरी प्याज ले ली है, जो तीनों प्याज ली थी मैंने वही कट कर लिया है। अब इसे हम पकाएंगे थोड़ी देर। प्याज हमारे हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गाइस। प्याज अगर आप प्याज आपका ऑयल यूज़ कर रहे हो नॉर्मल, तो आप प्याज का रस भी उसमें मिलाकर आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है प्याज का रस हमारे हेयर के लिए। यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट प्याज पका लिया है। अब मैं यहाँ पे गुड़हल का फूल डाल दूँगी, सारे एक एक करके हम सारी चीज़ें डालकर अब अच्छे से पकाएँगे ऑयल को। ऑयल मतलब इतनी पकानी है तब तक जब तक ये सारी चीज़ें पूरी अच्छे से अपने रंग ना बदल दे, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। जितने भी फ्लावर हैं हमने, और फिर यहाँ पे हम करी पत्ता डालेंगे, मेहंदी के पत्ते डालेंगे, सब अच्छे से सॉफ्ट हो जाना है, अपनी कलर चेंज कर लेनी है सारी, इसकी जो कलर और जिस इसमें जितनी पोषक तत्व है सारे हमारे ऑयल में आ जाने हैं, तब तक हम ऑयल को पकाएँगे। यहाँ पे हम फ्लेम मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखकर ऑयल बनाएंगे। आप हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना रखें वरना हमारी ऑयल जल जाएगी। हम धीरे धीरे इसी तरीके से चलाते हुए रहेंगे अपनी ऑयल के साथ फ्लावर्स को, लीव्स को। अब यहाँ पे हम बाकी जो चीज़ें हैं वो डालेंगे, मेथी के दाने, कलौंजी, काली मिर्च और लौंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाल देंगे। अब हम ऑयल को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि बिल्कुल ये सारी चीज़ें पक ना जाए। देखिए गाइस हमारी फ्लावर की और पत्ते की कलर अभी कितनी चेंज हुई है, पर अभी हमें इसे और भी पकाना है, इसकी कलर और भी चेंज होनी है। इस हेयर ऑयल के यूज़ से हमारे हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइन होती है, हमारी हेयर फॉल जो होती रहती है बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो रुकती है। फ्रेंड्स अगर आपकी हेयर उलझती है और अगर उलझी उलझी हो जाती है, कोम करते हो तो कोम फंसती है, तो आप इस ऑयल को यूज़ करें। ओवरनाइट आप लगा कर रख लें या फिर 1 आवर लगा कर रखें और उसके बाद अच्छे से आप हेयर वॉश करें हर्बल शैम्पू से, उसके बाद आप देखोगे आपकी कोम बिल्कुल नहीं फंसेगी, आपकी हेयर बिल्कुल नहीं उलझेगी। यह ऑयल हमारे हेयर फॉलिकल्स में जाके वर्क करती है, जहाँ पे आपके बाल उगने बंद हो गए हैं, होने बंद हो गए हैं, वहाँ पे भी आपके हेयर आती है और गंजेपन की शिकायत दूर करती है। गाइस हमारी ऑयल बहुत अच्छे से बन गई है, देखिए इसकी कलर बिल्कुल चेंज हो गई है। जब ऑयल बन जाए तो आप इसे 6-7 घंटे के लिए छोड़ दें, आप मॉर्निंग में बनाएं तो इस ऑयल को आप नाइट में निकालें, और नाइट में अगर आप बनाएं ऑयल को तो मॉर्निंग में ऑयल छानें।
आप तुरंत ही ऑयल को ना निकालें, ऑयल को उसी सारी चीज़ों में ही रहने दें, फ्लावर और पत्तों में ही रहने दें। जब ये अच्छे से पूरी इसकी जितनी प्रोटीन है सारे हमारे ऑयल में आ जाए 6-7 घंटे के बाद, तो हम फिर ऑयल को छन के निकालेंगे। देखिए गाइस कितनी कुरकुरी हो गई है हमारी करी पत्ते, मेहंदी के पत्ते। इस तरीके से हमें बिल्कुल सब चीज़ें पका लेने हैं उसके अंदर। देखिए गाइस यहाँ पे हमारी ऑयल आ चुकी है, अब इसे हम एक ड्राई कंटेनर में डाल लेंगे। बिल्कुल भी हमारी जिस कंटेनर में आप रखें ऑयल को, उसे आप देखिएगा कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इस ऑयल को आप 6 months to 1 year भी आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी रहती है, ख़राब नहीं होती है। आप जब चाहो बनाकर कितने दिन के लिए भी आप रख सकते हो। इस ऑयल को आप ग्लास कंटेनर में रखें गाइस, ताकि इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़कर रहे। गाइस जो ये बचा हुआ है ना हमारा, जो इसमें जितने भी हम चीज़ें डाले थे पत्ते और फ्लावर, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसे एक साइड में रखेंगे। मैं इसकी यूज़ भी आपको बताऊँगी। देखिए गाइस ऑयल का कलर कितना अच्छा आ चुका है। गाइस ये ऑयल आपके हेयर को मॉइस्चराइज भी करेगी, इतनी अच्छी हेयर ऑयल है ये। हाइबिकस फ्लावर में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करके रखता है। इस तरीके से हमने ऑयल बना लिया। अब हम देखते हैं हमें जो ये सारी चीज़ें डाली थी इसका हम क्या करते हैं। गाइस इसे आप एक मिक्सी ग्राइंडर में ले लें, जार में ले लें। इसके बाद आपको जितना चाहिए इसे आप एक बार में, अगर यूज़ आपके हेयर के लिए काफ़ी है तो आप एक बार में यूज़ करें, या तो आप दो बार में यूज़ करें। आप आधा लें और आधा आप अपने फ्रिज में एक डब्बे में डालकर रख लें। यहाँ पर मैं 6 बड़े चम्मच दही ले रही हूँ गाइस। आप दही अगर आप यूज़ करते हैं हेयर के लिए तो दही ले, वरना आप इस सारी चीज़ों को ऐसे ही अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर आप हेयर में अच्छे से लगा सकते हो। देखिए गाइस यहाँ पे हमारा पेस्ट बनकर, हेयर मास्क बनकर तैयार है। इसे अब हम बॉल में निकाल लेंगे और अपने हेयर में अप्लाई कर लेंगे। गाइस इसमें और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम ऐसे ही स्कैल्प में और अपने हेयर में, हेयर लेंथ में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और आधे से 1 घंटा रखेंगे। इसके बाद हम हेयर वॉश कर लेंगे सिर्फ पानी से, ना कोई शैम्पू यूज़ करेंगे ना कंडीशनर, क्योंकि ये जो मास्क हम बनाए हैं ना ये कंडीशनर के काम करेगी गाइस। तो इसे आप कुछ यूज़ मत कीजिएगा लगाने के बाद, कोई शैम्पू कंडीशनर यूज़ मत कीजिएगा। नेक्स्ट डे आप अच्छे से शैम्पू यूज़ कर लीजिएगा, हर्बल शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर लीजिएगा। आपकी हेयर देखिएगा कितनी सिल्की शाइनी सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है गाइस। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन आती है गाइस उसे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। और मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।